नमस्कार दोस्तों, आज आप सीखेंगे ऊंचाई दूरी। दोस्तों क्या है दोस्तों ऊंचाई दूरी? दोस्तों कक्षा 10 गणित दोस्तों चैप्टर 9 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर क्या दोस्तों? 9 दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहले देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले दिया क्या दिया दोस्तों, देखिए क्या कह रहा। एक मीनार की ऊंचाई क्या दोस्तों? 20 मीटर है। तो दोस्तों कोई मीनार है, उस मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है दोस्तों? 20। रूट की कितना? 3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए दोस्तों। कोई मीनार है दोस्तों, मान लीजिए मीनार तुम्हारी ये हो गई दोस्तों। क्या हो गई दोस्तों? ये मीनार हो गई दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 20 मीटर। तो ये जो मीनार है, इस मीनार की जो ऊंचाई है 20 मीटर है दोस्तों। ये 20 मीटर हो गई दोस्तों, 20 मीटर हो गई दोस्तों, ठीक दोस्तों। ये फिर क्या कह रहा है? जमीन पर बनने वाली इसकी छाया दोस्तों, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, किसकी छाया दोस्तों? मीनार की छाया दोस्तों। पहले इसको नाम दे देते हैं ए और बी दोस्तों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें ए बी सी जो भी है, पी क्यू आर कुछ भी रख दो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता दोस्तों। मगर यहाँ ए बैठाना, कहाँ बी बैठाना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर दोस्तों फिर भी आपसे आना चाहिए कि ए कहाँ बैठेगा, बी कहाँ बैठेगा, क्यू कहाँ बैठेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कोई मीनार है दोस्तों, तो मीनार जो बनती है नीचे से बनती है, ना ही दोस्तों कहीं से ऊपर से बनती है दोस्तों। तो मीनार मान लीजिए जमीन तुम्हारी भूमि ये है, यहाँ से मीनार बन के चली, जहां से बन के चलती है दोस्तों वहां जो पहला काम करते हैं दोस्तों, पहला काम ए होता है दोस्तों। तो यहाँ से मीनार की जो एक सिरा है ए है, और दूसरा काम दोस्तों बनाते हुए निर्माण करते हुए दोस्तों बी दोस्तों, ठीक दोस्तों। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 20 अंडर रूट के 3 दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर जो छाया बन रही है जमीन पर दोस्तों, कहाँ बन रही है दोस्तों? छाया यहाँ पे। तो ये जो है 20 और रूट के क्या दोस्तों? 3 मीटर। क्या दोस्तों? 20 और 3 मीटर दोस्तों, ये मीटर दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये हो गई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कहते हैं दोस्तों ये थीटा होता तुम्हारा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पूछ रहा हमसे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा तुम्हारा, यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा बराबर क्या, ये पूछ रहा दोस्तों हमसे, ठीक दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हल कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है दोस्तों? लाल बटे कक्का से चलते हैं दोस्तों, लाल बटे कक्का। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये त्रिकोण में दोस्तों मैंने वीडियो अभी अपलोड किए हैं दोस्तों, कुछ वीडियो अपलोड किए दोस्तों, क्योंकि जो कुछ तकनीक है दोस्तों खराब चल रही है इस समय वीडियो ज्यादा अपलोड नहीं किया मैंने दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आइए, ये तुम्हारा दोस्तों साइन का अवतार दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों किसका हुआ है दोस्तों? कॉस का है दोस्तों। तो ये दोस्तों किस चीज का है? टैन का दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखना है इस डायग्राम में, चित्र में जो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमेशा कर्ण रहता है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा दोस्तों लंब रहता है दोस्तों, ठीक दोस्तों, यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे हमेशा आधार रहता है दोस्तों। तो दोस्तों तो देखिए आपके पास में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। हमारे पास में दोस्तों लंब भी है और आधार भी है दोस्तों। तो हमें जो चित्र इनमें से जो उठाना है दोस्तों, लंब भी होना चाहिए और आधार भी होना चाहिए दोस्तों। जैसे लंब क्या है तुम्हारा दोस्तों? देखिए लंब यहाँ पर तुम्हारा लंब ये हो गया और आधार ये हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ में आधार है दोस्तों, मगर इसमें कर्ण है, लंब सॉरी आधार और कर्ण दोस्तों। तो आधार हमारे पास में है मगर कर्ण नहीं है। तो दोस्तों इस वाले जो सूत्र है अपना, ये साइन का कॉस का इसलिए नहीं लग सकता दोस्तों। और देखिए दोस्तों लंब और कर्ण, इसमें लंब है और इसमें कर्ण है दोस्तों। हमारे पास में लंब है और आधार है दोस्तों, लंब हमारे पास में हैगा, बात सही है इसकी, मगर कर्ण नहीं है हमारे पास में, कर्ण नहीं है। तो ये भी इसलिए नहीं लग सकता दोस्तों, ये वाला भी इसलिए हम नहीं लगा सकते दोस्तों, ठीक दोस्तों। और भी बात करते हैं यहाँ पर, देखो हमारे पास में
लंब भी हैगा, लंब हैगा हमारे पास में, आधार भी हैगा तो आधार भी है इसमें दोस्तों। तो दोस्तों पद चले क्या लगेगा दोस्तों, तो ये लगेगा तुम्हारा दोस्तों टैन का, क्या दोस्तों टैन का। बहुत से टीचर बहुत से बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन चीजों को बताते ही नहीं है, डायरेक्ट ही यहाँ पर टेन लिखते हैं इस तरीके से, जैसे टेन थीटा बराबर जो हमें सूत्र लगाना वो लगा देते हैं। बच्चों को समझ आना चाहिए ना दोस्तों कि अपना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस कहाँ से आते हैं निकल के दोस्तों, तो यहाँ से लाल बट्टे का कही चित्र में दे देता है, ठीक दोस्तों चित्र में दे देता है कि आधार दिया है या लंब दिया है, कोई दो चीजें दे देता है दोस्तों, तो तीसरी हमें निकालनी होती है, ठीक है दोस्तों। हमें दो दे रखी है दोस्तों, तो यहाँ पर टेन वाला फॉर्मूला लग गया दोस्तों। और ये तुम्हारा फिर यहां से हम चलते हैं, तो क्या है लंब बटे आधार, तो दोस्तों लंब कितना है हमारे पास में, तो लंब ऊपर है दोस्तों यहाँ पे, तो मान ऊपर ही रखेंगे दोस्तों, मान लंब कितना है हमारा, लंब हमारे पास में 20 दोस्तों, क्या 20 बटे आधार क्या दोस्तों हमारे पास में आधार है ना दोस्तों, तो आधार क्या है, तो डायरेक्ट मान भी नहीं रख सकते, सूत्र भी रख सकते हैं कि हाँ लंब बटे आधार, एल से लंब हो गया दोस्तों, लंब लंब को हम एल से शो कर दिया हमने, और यहाँ पर आधार है दोस्तों, आधार को ए से शो कर दिया दोस्तों, मैं मानता हूं अपनी ओर से, ठीक है दोस्तों कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या दोस्तों टेन थीटा अपना हुआ सही है दोस्तों, लंब कितना दोस्तों अपना 20 मीटर हो गया दोस्तों, और आधार तुम्हारा दोस्तों कितना हो गया तुम्हारा 20 रूट के 3 दोस्तों। अब यहाँ पे फिर हमने करा टेन वैसे का वैसे चल रहा दोस्तों, यहाँ पे 20 से 20 गया दोस्तों, कितनी बारी में गया दोस्तों एक बारी में दोस्तों, तो एक बटे रूट के गया दोस्तों 3 दोस्तों, ठीक दोस्तों। ये किसका मान होता है दोस्तों टेन के पदों में किसका होता है मेरे यार, तो यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है दोस्तों ये 60 का होता है दोस्तों, किसका होता है ये दोस्तों 60 का होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा टेन हो जाएगा ये, और यहाँ पे होता है तुम्हारा भैया 10 60, क्या दोस्तों 10 60 का होता है दोस्तों, किस चीज का होता है देख लेते हैं दोस्तों एक बार। तो दोस्तों किसका होता है 10 30 का होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये मान है किस चीज का दोस्तों 10 30 का मान, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 30 इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब बस 10 से 10 चला जाएगा अपना दोस्तों, 10 से क्या चला जाएगा दोस्तों 10 चला जाएगा, तो थीटा बराबर क्या बच गया हमारा दोस्तों 30 डिग्री बच गया दोस्तों, ठीक दोस्तों यहाँ पर, ठीक दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे बता दूं दोस्तों, यदि त्रिकोणमिति किसी से बच्चे से, त्रिकोणमिति ही नहीं कोई सा भी गणित हो दोस्तों, यदि आपसे कम आता है दोस्तों, सलेशन नहीं हो कर पा रहे दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है दोस्तों, उस पर कॉन्टेक्ट करके दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो अपलोड भी करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, यदि किसी बच्चे को समझ ना आया हो दोस्तों, तो वीडियो दोबारा देखिए दोस्तों, यदि वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।